हेलो क्लास 11, हम लोग सेट चैप्टर पढ़ रहे थे। लास्ट एक्सरसाइज में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करी थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। नाउ एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ नल सेट। नल सेट का एग्जांपल बताना है आपको, इनमें से कौन सा है। आप लोगों को पता होगा नल सेट क्या होता है। नल सेट या एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, विच कंटेन नथिंग, जिसके अंदर ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ नहीं आता हो। नाउ फर्स्ट पार्ट इज सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड होते हो, ऐसा कोई नंबर है नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड होता हो, ऑड नेचुरल नंबर। जैसे ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। क्या इनमें से कोई 2 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पर क्लैक करना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। दैट इज पहला वाला तो आपका नल सेट है, फर्स्ट वाला आपका एम्प्टी सेट है। नाउ सेकंड वाला सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो सबसे पहले अगर मैं प्राइम नंबर लिखूं तो प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 9, 11। ये आपके प्राइम नंबर है। ओके, ये कह रहा है वो सेट बनाओ इवन प्राइम नंबर का। तो क्या कोई इवन प्राइम नंबर है हमारे पास? बिल्कुल है, 2 है हमारे पास इवन प्राइम नंबर। तो क्या ये नल सेट बना हुआ है? नहीं, हमें एक एलिमेंट मिला, ये एक सिंगलटन सेट बन गया। तो यानी ये आपका नल सेट नहीं है। नाउ थर्ड पार्ट में देखते हैं, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स एक नेचुरल नंबर है। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर? आपको इनइक्वालिटी के फॉर्म में दे रखा है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है 7। इसके बीच में 6 भी आता होगा, इधर कहीं 4 भी आता होगा, इधर कहीं 8 भी आता होगा। तो कह रहा है एक्स की वैल्यू 5 से छोटी है। तो 5 से छोटी यानी इस वाले रीजन की बात कर रहा है ये। ओके, एंड एक्स की वैल्यू 7 से बड़ी, तो 7 से बड़ी मतलब इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं। नाउ इनइक्वालिटी में हम लोग जानते हैं, इस इनइक्वालिटी का आंसर वो होता है जो इंटरसेक्शन होता है, यानी दोनों का कॉमन पार्ट होता है। बट यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में। ये वाला रीजन तो इस साइड जा रहा है, ये वाला रीजन इस साइड जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हमें कोई भी आंसर इसका नहीं मिलेगा। दैट इज इसका आंसर आएगा आपका नल, है ना। नल सेट को हम 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, एम्प्टी सेट को। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू 2 पैरेलल लाइंस। दो बीच में, दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट होता है? नहीं होता, है ना। दो पैरेलल लाइंस कभी भी मीट करती नहीं है, तो उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं, है ना। तो ये भी आपका क्या होगा? नल सेट होगा, है ना। और 5 भी ले सकते हो आप इसका। तो ये होगा, ये वाला होगा, ये नहीं होगा, फर्स्ट वाला होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या लिख रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। बहुत ईजी है, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा फाइनाइट बनेगा, कौन सा इनफाइनाइट बनेगा। फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। तो ये क्या होगा आपका? फाइनाइट होगा। ये क्या होगा आपका? फाइनाइट, है ना। सबके सब 12 महीने हम बता सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर तक फाइनाइट आएगा, फाइनाइट आंसर आएगा इसका। नाउ सेकेंड है 1, 2, 3, और कहाँ तक जा रहा है हमें ये नहीं पता कहाँ तक जा रहा है। दैट इज ये क्या है आपका? इनफाइनाइट सेट है, ये आपका इनफिनाइट सेट है। क्वेश्चन नंबर 3, 1, 2, 3, और कहाँ तक जा रहा है? 100 तक जा रहा है। लास्ट वैल्यू पता है आपको उसकी, फर्स्ट और लास्ट पता है। दैट इज ये क्या आपका? फाइनाइट है। नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? ग्रेटर देन 100। तो 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, और कहाँ तक जाएंगे ये? इन्फिनिटी तक। दैट इज ये क्या बनेगा आपका? ये बन गया आपका इनफिनाइट सेट, इनफिनाइट। ओके, एंड लास्ट क्या है? सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो 99 से छोटे प्राइम नंबर जैसे 97 हो गया, है ना। और कहाँ तक जाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 तक जाएंगे, यहीं तक जाएंगे। 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर, 2, 3, और कहाँ तक जाएंगे? लास्ट तक 97। तो ये क्या मिलेगा आपको? ये आपको फाइनाइट मिलेगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? फाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसमें लिख रखा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगेन आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताने ये है या नहीं है। सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ये होती है आपकी, इसके पैरेलल कितनी लाइनें जा सकती है? इनफाइनाइट लाइन जा सकती है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका? इनफाइनाइट। कितनी लाइन जा सकती है? इनफाइनाइट लाइन जा सकती है। नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? ये तो आपका फाइनाइट होगा। क्या होता है इंग्लिश अल्फाबेट में? ए होता है, बी होता है, सी होता है, और कहाँ तक जाता है? जेड तक जाता है, है ना। तो फाइनाइट मिलेगा आपको ये। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका फाइनाइट।
सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ फाइव. फाइव के मल्टीपल्स क्या होते हैं? फाइव के मल्टीपल फाइव जीरो भी होता है, जीरो फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी और ऐसे कहाँ तक मिलेंगे आपको? इन्फिनाइट तक मिलेगा. दैट इज इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा इन्फिनाइट. नेक्स्ट, सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन दिस अर्थ. इस अर्थ पे कितने एनिमल्स रहते हैं? देखो बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं, लेकिन एक फिनाइट वैल्यूज होगी ना. अगर हम उनको काउंट करने के लिए बैठे, हो सकता है हमें 10 साल लगे या 50 साल लगे या 100 साल लगे, लेकिन कभी ना कभी जाकर उनको काउंट किया जा सकता है ना. तो बहुत सारे होंगे लेकिन फिनाइट होंगे. क्या होंगे? फिनाइट वैल्यूज होंगी वही. नाउ द लास्ट पार्ट इज सेट ऑफ ए सर्किल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन. तो ये रहा आपका ऑरिजिन, इससे कितने सर्किल पास हो सकते हैं? कितने भी सर्किल पास हो सकते हैं, बस उनकी रेडियस चेंज करते चले जाओ आप. क्यों? सही बात है ना. कितने पास हो सकते हैं? इन्फिनाइट पास हो सकते हैं. तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा आपका इन्फिनाइट. नाउ क्वेश्चन फोर करते हैं. इसमें लिख रखा है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी. आपको बताना दोनों सेट बराबर है या नहीं है. दो सेट्स कब बराबर होते हैं बेटा? जब उनके एलिमेंट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. अगर दोनों सेट्स में एलिमेंट्स इक्वल हो तो आप उनको बराबर कह सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट उसमें ए, क्या इसके अंदर आपको ए मिल रहा है? बिल्कुल यहाँ आ रहा है ए. बी, इसके अंदर बी है, ये रहा सी, ये रहा डी, ये रहा, है ना. तो ये दोनों इक्वल होंगे. हाँ बिल्कुल इक्वल होंगे, क्योंकि आपको पता है सेट के अंदर इनका ऑर्डर चेंज किया जा सकता है ना. आप ए को पहले लिख लीजिए, फिर बी को लिख लो, फिर सी को लिख लो, फिर डी को लिख लो. सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता. तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा यस, ए इज इक्वल टू बी. क्या सेकंड वाले बराबर है? इसमें फोर है, इसके अंदर फोर है, बिल्कुल है. इसके अंदर एट है, इसके अंदर एट है, बिल्कुल है. इसके अंदर ट्वेल्व है, इसके अंदर ट्वेल्व है, बिल्कुल ट्वेल्व नहीं है. तो यहाँ पर आप लिख लो ए इज नॉट इक्वल टू बी. ए इज नॉट इक्वल टू बी. नाउ थर्ड पार्ट में क्या रखा? टू फोर सिक्स एट टेन. एंड एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इवन इंटीजर. एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, इवन होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए. तो क्या होता है इवन पॉजिटिव इंटीजर? ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा और 10 भी इंक्लूड करना है तो 10 हो जाएगा. ये हो जाएगा आपका 2, 4, 6, 8, 10. पॉजिटिव है, इवन है, इंटीजर्स हैं. ओके, तो 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10. क्या ये दोनों इक्वल है? दोनों इक्वल है, यस इक्वल है. तो आप लिख लोगे ए इज इक्वल टू बी. एंड द लास्ट पार्ट इज एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10. तो 10 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 10, 20, 30, 40, ये होते हैं इसके मल्टीपल्स. इसमें एक 15 एलिमेंट है तो 15 इसके अंदर नहीं है. तो आप लिख लोगे ए इज नॉट इक्वल टू बी. इसमें ए और बी बराबर नहीं है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. इसमें लिखा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल. आपको बताना है क्या ये दोनों सेट आपके इक्वल हैं या नहीं है. नाउ ए सेट तो दे रखा आपको 2, 3. एंड बी सेट क्या दे रखा है? एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस सेट. बी सेट क्या है? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. क्या लिख रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. क्या फैक्टर होते हैं इसके? एक्स स्क्वायर प्लस, सबको आता होगा, 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 3 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0. क्या फैक्टर बन गए? एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 2. तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 2 एंड माइनस 3. दैट इज बी सेट. क्या आपके पास बी सेट है? आपके पास माइनस 2 एंड माइनस 3. क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, ये प्लस 2 प्लस 3 है, ये माइनस 2 माइनस 3 है. दैट इज इस वाले केस में ए इज नॉट इक्वल टू बी. नाउ सेकेंड इज एक्स इज अ लेटर. एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो. नाउ ए सेट क्या बनेगा आपका? एफ आएगा, ओ आएगा, एल आएगा, ओ ऑलरेडी लिख चुके हैं, और डब्ल्यू आएगा. एंड बी सेट क्या है? बी सेट तो आपके पास उल्फ है, तो उल्फ में डब्ल्यू आएगा, ओ आएगा, एल आएगा, एफ आएगा. कंपेयर करो, ये दोनों बराबर है. इसमें एफ है, इसमें एफ है, बिल्कुल है. इसमें ओ है, इसमें ओ है, ये रहा. इसमें एल है, इसमें एल, बिल्कुल ये रहा. इसमें डब्ल्यू है, इसमें डब्ल्यू, ये रहा. तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? इक्वल है. तो इस वाले केस में लिख दोगे आप हैंस ए इक्वल टू बी. ये इसका आंसर होगा.
क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या करेगा, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। आपको इनमें से देखना है कौन से इक्वल सेट है। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? ये दोनों तो नहीं है। ये दोनों इक्वल है? हाँ ये दोनों इक्वल है। इसके पे टू है, इसमें भी टू है, नहीं इसमें टू नहीं है, तो ये नहीं है, फोर था इसमें। ये दोनों इक्वल है? ये दोनों भी इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्वल है, इसमें वन है, इसमें वन है, इसमें टू है, इसमें टू है, इसमें थ्री है, इसमें थ्री है, इसमें फोर है, इसमें फोर है, तो इसमें ये दोनों इक्वल है। तो बी किसके बराबर है? डी के बराबर है। एंड इधर से, क्योंकि ये तो आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें एलिमेंट दो है, इसमें एलिमेंट चार है, तो ये तो हो नहीं सकते अब इनके साथ। नाउ यहाँ कंपेयर करते हैं, यहाँ कोई है क्या? माइनस वन, तो माइनस वन इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, तो ए और जी भी इक्वल हो जाएंगे, ई एंड जी भी इक्वल हो जाएंगे। और कोई इक्वल आएगा? और तो कोई इक्वल नहीं आएगा, तो सिर्फ दो ही सेट इक्वल होंगे, बी एंड डी, बी और डी इक्वल होंगे और ई एंड जी इक्वल होंगे। ओके, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।